मेरी चैनल सारिकास कुकिंग डायरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम छोले बनाने का बिल्कुल आसान तरीका देखने वाले हैं। इस तरीके से छोले बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं, जिससे हमारी मेहनत और समय दोनों भी बच जाएंगे। पर छोले का स्वाद बिल्कुल ट्रेडिशनल छोले जैसा ही रहेगा। तो चलिए फिर छोले बनाना शुरू करते हैं। यहाँ एक कप काबुली चना को मैंने दो बार अच्छे से धोकर रात भर पानी में भिगो कर रखा था। देखिए कितने अच्छे से भीग गए हैं। आप इसे 6 से 7 घंटे भी भिगो कर रख सकते हैं। अब इससे हम पानी निकाल देते हैं। अब हम प्याज और टमाटर की प्यूरी बना लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज की इस तरह की स्लाइस बना लिए हैं। उसी के साथ 3 मीडियम साइज के टमाटर को भी मैंने इस तरह बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। अब मिक्सचर जार ले लेते हैं और जार में प्याज और टमाटर के टुकड़े डाल लेते हैं। अब इन दोनों को पीसकर इसकी प्यूरी बना लेते हैं। ये देखिए पीसने के बाद इस तरह की गाढ़ी प्यूरी तैयार होगी। अब हम आगे की प्रोसेस के लिए गैस की तरफ चलते हैं। यहाँ गैस पर रखी इस कुकर में हम 60 ml तेल डाल लेते हैं। हमें प्याज और टमाटर की प्यूरी को भूनने के लिए थोड़ा ज्यादा तेल लगेगा। उसके बाद तेल में डालेंगे 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी का छोटा टुकड़ा और 1 तेज पत्ता। इन सबको हल्का भूनेंगे। उसके बाद हमने जो प्यूरी बनाकर रखी हुई है उसे डाल लेते हैं। जार में थोड़ी प्यूरी बच गई है तो थोड़ा पानी मिलाकर उसे भी ले लेते हैं और चला लेते हैं। अब हम कुकर के ऊपर ढक्कन रख देते हैं। हमें कुकर के ऊपर सिर्फ ऐसे ही ढक्कन रखना है, कुकर को बंद नहीं करना है। अब गैस की फ्लेम को फास्ट रखकर प्यूरी को पकाना है। कुकर पर इस तरह ढक्कन रखकर प्यूरी को पकाने से जब प्यूरी में उबाल आएगा तो उसके छींटे बाहर नहीं उड़ेंगे और फास्ट गैस पर प्यूरी जल्दी से पक भी जाएगी। प्यूरी को पकाते हुए 2 मिनट हो गई है तो देख लेते हैं। ये देखिए प्यूरी ड्राई हो गई है और प्यूरी से तेल भी छूट गया है। तो गैस की फ्लेम को स्लो कर देते हैं और इसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट मिला लेते हैं। उसके बाद मिलाएंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये लाल मिर्च पाउडर तीखी मिर्ची और कश्मीरी मिर्च के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, जिससे छोले तीखे भी होंगे और खूबसूरत रंग भी आएगा। आपके पास ऐसा मसाला ना हो तो आप घर पर रोज इस्तेमाल कर रहे लाल मिर्च पाउडर के साथ 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मिलाएं, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच छोले मसाला और ये 1 चम्मच कसूरी मेथी को हम इस तरह हाथ से मसल कर डाल लेते हैं। अब सारे मसालों को हम फिर से तेल की छूटने तक स्लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए मसाले से तेल छूट गया है तो इसमें हम चना डाल लेते हैं। और उसी के साथ डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब चला लेते हैं। अब चना में हम 2 कप पानी डाल लेते हैं और फिर से चलाकर कुकर को बंद कर देते हैं। और मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 सीटी होने देंगे। दस सीटी हो गई है तो अब गैस की फ्लेम को बंद करके कुकर को ठंडा होने देते हैं। कुकर ठंडा हो गया है तो खोलकर छोले देख लेते हैं। ये देखिए छोले का रंग कितना अच्छा आया है और चना पक भी गए हैं। अब छोले के टेस्ट को बढ़ाने के लिए ऊपर से हम और 1/2 चम्मच छोले मसाला डाल लेते हैं और ग्रेवी ज्यादा गाढ़ी है तो 1/2 कप पानी भी मिला लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं। आप अपने पसंद से ग्रेवी को गाढ़ा या पतला रख सकते हैं। मसाला और पानी मिलाने के बाद छोले को 1 मिनट के लिए पकने देंगे। अब गैस को बंद कर देते हैं और छोले को सर्व कर लेते हैं। आप इन छोले के साथ पूरी, राइस या फिर भटूरा सर्व कर सकते हैं।
अगर आप भटूरा बनाना चाहते हो तो उसके रेसिपी की लिंक आपको वीडियो के नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डाल लेते हैं। इस तरह मैंने इंस्टेंट छोले बना लिए। अब आपकी बारी है इस रेसिपी को ट्राई करने की, तो जरूर ट्राई करें। धन्यवाद।